हेलो लिब्रास। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बेस्ड है ऑन चंद्र राशि के ऊपर, सो उसके अकॉर्डिंग आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसी के साथ साथ पहले हम बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार आपका कैसा ये वीक रहने वाला है, क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है। देखो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लिब्रास आपके लिए पिछला वीक भी कहीं ना कहीं सूदिंग एनर्जीज लेकर आया था, जहाँ पर आपके लिए आपके खुद के कॉन्फिडेंस में, मैं कहूँगी कुछ परचेज करना चाहते थे, कोई शॉपिंग में, इस वीक में भी उन सभी चीज़ों में लाभ आता हुआ दिख रहा है। आपके काम में, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, मैरिड लाइफ में सूदिंग एनर्जीज दिख रही है, और इस वीक की शुरुआत के 4 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो प्राइम टाइम जो होगा ना, आपके वीक के पहले 2 दिन में ही आपको वो देखने मिलेगा, उसके बाद में उसकी स्पीड थोड़ी सी घटती चली जाएगी। और एक चीज़ में अगर आपको बता दूँ, सो आपके लिए इस वीक में अगेन लाभ रिलेटेड बहुत अच्छा चीज़ होती हुई दिख रही है, मनी रिलेटेड बेनिफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके बेनिफिट्स में दिख रही है। जो भी आपकी सेविंग्स हैं, आपको सेविंग करना चाहते हो, कुछ परचेज करना चाहते हो, सो इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा समय देखने मिलेगा। एजुकेशन, काम की बात करूँ तो बहुत अच्छा काम आप करने वाले हैं, अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क देने वाले हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। आई डोंट सी एनी बिग प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके चार्ट में जो दिख रहा है। मदर से थोड़े बहुत अनबन रह सकते हैं, बट उसके अलावा जो भी आप काम करोगे ना, जो भी आप कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा पीरियड है। जो इतने लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय चल ही रहा है इस वक्त में, तो ज़रूर उन लोगों के लिए अच्छा पीरियड ये माना जाएगा। शुक्रदेव की भी आपकी प्लेसमेंट कुछ दिनों में आने वाली है, लेकिन वो आपके लिए लाभकारी होंगे, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे, अच्छे बेनिफिट्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। एजुकेशन वाइज, भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार ये वीक आपके लिए फेवरेबल बनता हुआ दिख रहा है लिब्रा। इस वीक को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, वेस्ट मत होने देना इस वीक को। मेहनत करना, सोचना, समझना, क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, चाहे वो कोई हैबिट है, रूटीन है, कोई काम है, कोई रिश्तों में है, कोई जॉब में, कोई भी सेक्टर होने दीजिए, बट आपने उस तरीके से मेहनत करनी है और अपनी बुद्धि भी लगानी है। जब यूनिवर्स आपका साथ देता है तो आपको भी यूनिवर्स का साथ देना पड़ता है, तब जाके एनर्जीज अलाइन हो पाती है और आपको सही रिजल्ट मिल पाते हैं। कोई ना, हाथ पे हाथ धरने से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस वजह से आपको जब मैं कोई चीज़ एडवाइस करती हूँ ज्योतिष अनुसार, टैरो अनुसार, आप उससे कनेक्ट भी होते हो, तो ज़रूर उसे याद रखकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, तब आप उस वीक को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जो चीज़ कमज़ोर है, जो हमें पता है इस वीक में काम नहीं करेगी, उस पर चिंता करके, उसके बारे में सोच कर, उसमें एनर्जी डाल कर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ वर्कआउट हो रही है, जो भगवान हमें दे रहा है, हम उसका तो लुत्फ़ उठा लें, हम उसकी तो कद्र कर लें। जो नहीं ठीक है वो भी भगवान ठीक कर देगा, तो इस भरोसे से हम ये रीडिंग करते ही आपको गाइडेंस देता है कि आप जीवन में उन चीज़ों को ट्रैक पे ला सकें। तो ये अभी तक मुझे आपके लिए वाइब एंड एनर्जीज दिख रही है। अब हम टैरो में भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं लिब्रास। देखिए लिब्रास, पहला कार्ड आपके लिए आया है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। कहीं ना कहीं मन में कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी रह सकती है। एंड ऑफ द वीक के अराउंड में आपको कुछ चीज़ों की परेशानी, मन में ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस रह सकता है, कुछ चीज़ों की परेशानी बनी रह सकती है, बिकॉज चंद्रमा की प्लेसमेंट आफ्टर मिड के बाद में चेंज होगी, जिस वजह से 1-2 दिन आपके इस वीक में ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको बड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, कोई चीज़ों से हर्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। आपके करियर को लेकर चिंतित हो सकते हैं, या आपको लग सकता है भाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा काम स्लो हो रहा है, बाधा आ रही है, डिले आ रहा है, ये टाइप के हो सकते हैं, बट वो टेम्पररी रहेगा, 1-2 दिन में अपने आप में ठीक हो जाएगा। आगे आपके करियर, बिजनेस, ट्रैवल, इन सारी चीज़ों में बड़ा शुभ कार्ड आया। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं जो आपको कह रहे हैं कि लाइफ आपकी फ्लो में चलेगी। कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, ज़रूर आपके लिए ये टाइम फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है। जितने भी लोग कोई लैंड परचेज के लिए ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज के लिए, उनके लिए भी अच्छा समय है। बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं चीज़ों को टैरो कार्ड्स, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, आपके पास विजडम आएगा। ज़रूर आपको एंजल से कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, कोई आइडियाज़ आ सकते हैं, उन आइडियाज़ को ये मत सोच लेना कि भाई इनको बाद में हम देख लेंगे, लिख लेना कहीं, ध्यान देना कि कुछ खास आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसे सुनना समझना। आपको नहीं पता कि कौन एंजल रूप बनकर आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको कुछ एडवाइस दे देता है, कुछ हेल्प कर देता है, कुछ रास्ता दिखा देता है, जो आपके ही बेनिफिट्स के लिए होता है।
सुनो, ये सारी एनर्जीज आपके लिए बेनिफिशियल दिख रही है। सिर्फ कुछ एक दो दिन रहेंगे जहाँ पर मेंटल तनाव स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, और देखना ये मेंटल तनाव स्ट्रेस ऐसा होगा जो आप फ्यूचर को लेके चिंता कर रहे होगे कि फ्यूचर में ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, इन बातों को लेकर होगा। जहाँ पे टैरो कार्ड एडवाइस देते हैं कि फ्यूचर की चिंता करके कुछ नहीं होता है, यू नो आप शायद से ओवर नेगेटिव सोच रहे हो, तो जब ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आप यू नो प्रभु को याद करना, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करना, अपनों से बात करना, अपने दुख दुख को कम करने की कोशिश करना, तो वो आपके दिन कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इतनी तकलीफ नहीं दे पाएंगे। आगे जो आपके लिए मून मैसेजेस भी आ रहे हैं, हम वो भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके लिब्रास, कुछ नेगेटिविटी मुझे हटती हुई दिख रही है आपकी लाइफ से। जो डार्क मोमेंट्स थे वो मून मैसेजेस में जो दिख रहे हैं आपके लिए हटते हुए दिख रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने विश्वास रखिए खुद के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, ये ज़रूर एडवाइज्ड आपको आ रही है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, हो सके तो इस वीक आप चैरिटी ज़रूर करें, किसी की मदद करें, किसी का ख्याल रखें, किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, कोई भी आपके रिलेटिव दोस्त हो, आपको लग रहा है कि ये इंसान आके आपसे मदद मांग रहा है या किसी चीज़ को इसकी ज़रूरत है, ज़रूर उससे पूछिएगा, उसकी मदद कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कोई ना कोई वजह बन सकती है जिसमें आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई मदद के लिए मांगे तो, या अपनी तरफ से चैरिटी भी कर सकते हैं इस वीक में। ये आपकी ऑल ओवर लाइफ एंड भाग्य को अच्छा करेगा। अपने अपनों के लव रिलेशनशिप में भी कोशिश कीजिएगा लिब्रास की, एक कदम आप बढ़ा लें, एक कदम कॉम्प्रोमाइज़ का आप करने की कोशिश कराएं। नो आप करते हैं, बहुत करते हैं लिब्रा राशि वाले, कॉम्प्रोमाइजिंग कहे जाते हैं, एडजस्टिंग माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में डिमांड्स नहीं होती हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसे प्यार मोहब्बत से ही निभा लें, और आपसे वही भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में कि ना आप संभल कर चीज़ों को संभाल लें, क्योंकि आगे भी आपके लिए एडवाइस आया दैट ब्रिंग लव टू द सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है उसमें प्यार लाने की कोशिश करो, प्यार से ठीक करने की कोशिश करो, इज्जत से, मोहब्बत से उसे ठीक करने की कोशिश करें, आपके लिए एडवाइस आ रही है। अब ये एडवाइस जो है ना, मेरे को लव लाइफ के लिए ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज लव लाइफ में रिकन्सिलेशन हीलिंग की सिचुएशन बनी हुई है ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पर ये आपके लिए वाइब देखी जा रही है कि भाई चीज़ों में सुधार लाने का टाइम आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम अनबन हो भी जाए तो उसे जल्दी ठीक कर लीजिएगा, ये एडवाइस है। वैसे तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, और चलो कुछ लिब्रास की लाइफ में अगर आ भी जाए तो ये यहाँ से आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सो ऑल ओवर वीक में अच्छा पोटेंशियल है, अच्छी पावर है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एक्शन चूज करते हो, किस तरीके के थॉट प्रोसेस रखते हैं, उस पर भी बहुत निर्भर करता है आपकी प्रेडिक्शन किस राह पर आपको लेकर जाएगी। सो यस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।